हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो जैसा कि हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 3.1, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी, हमने सेम टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर भी किए थे, तो हम इनको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे को एक फिगर की बनाई है, फिगर नंबर ए लेते हैं पहले। तो देखो हमारे को ये एंगल गिवन है 125 डिग्री, ये वाला एंगल भी गिवन है 125 डिग्री, एंड ये एंगल एक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे को जितने भी एंगल्स गिवन है वो एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है इस ट्रायंगल के, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी एक एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक चीज सीखी थी कि एक लाइन है और इस पर एक ऐसे लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर हमें इसमें से एक भी एंगल गिवन हो दोनों साइड में से, फॉर एग्जांपल ये हमें अगर 80 गिवन है, तो नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा, 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट निकले जो ये निकलेगा हमारा 100 डिग्री निकलेगा। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट अब हम इसके अंदर भी लगाएंगे। वो कैसे, तो देखो वो ऐसे है कि ये एंगल 125 डिग्री है और ये पूरा कितना है 180 डिग्री होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरा 180 डिग्री है और हमें इसका कुछ पार्ट जो दिया हुआ है वो है 125, तो रिमेनिंग क्या होगा, 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो वो हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा। अब जो रिमेनिंग एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 180 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 55 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 125 क्या आएगा, 55 डिग्री। सेम ऐसे इधर ये पूरा 180 डिग्री है और इधर का हमें गिवन है 125 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल जो होगा इसका वो क्या निकलेगा, 55 डिग्री। अब देखो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। वो कैसे, साइड्स कितनी होती हैं, 3। तब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करने का। साइड्स एन का मतलब होता है साइड्स, जब साइड्स पुट करेंगे 3 है, 3 माइनस 2 इंटू 180, तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो गया फिगर का, 180 डिग्री। अब हमें ये पता लग गया कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है और इसका एक एंगल, इसको फिलहाल के लिए आप m डिनोट करो, ये एंगल m है। अब m डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो 55 प्लस 55 ये क्या हो गया, 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, हमें m निकालना है, m के साथ इधर 110 प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 70 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, m क्या निकला, 70 डिग्री। और पूरा एंगल कितना है, 180, जब 180 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 110 और हमें फाइंड आउट क्या करना था, x, तो x आ गया हमारा 110 डिग्री। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। अब पार्ट बी देखो, तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ उसकी। अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में भी हमारे को जो x निकालना है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। अब जैसे हमने पार्ट ए के अंदर निकाला, हम सेम टाइप से पार्ट बी के अंदर निकालेंगे सेम मेजर्स को फॉलो करके। वो कैसे, अब देखो ये एंगल हमारा, जब भी कोई एंगल पे हम एंगल को इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर एंगल इस तरह लिखा हो उस पर एक स्क्वायर, मतलब ये एक स्क्वायर बना हो, तो इसका मतलब क्या है,
ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो ये एंगल हमें पता लग गया कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। अब जब 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 120। तो जो ये वाला एंगल हो गया हमारा इस साइड का, ये हो गया 120 डिग्री। अब देखो ये भी 90 है, पूरा 180 है, 90 में से 180 माइनस होगा तो ये भी क्या बचेगा, 90 डिग्री। ये 70 डिग्री है, पूरा 180 है, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 110। अब देखो हमारे को 90, 110, 90, 120 चार एंगल मिल गए। हमें फिफ्थ एंगल, इसको भी एम मान लेते हैं क्योंकि जब हम एम निकालेंगे तभी तो हमारा एक्स निकलेगा। अब देखो इसकी टोटल साइड्स कितनी है, 5। अब 5 का मतलब इसकी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब 5 माइनस 2 3 इंटू 180, टोटल क्या हो गया इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री हो गया। अब 540 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, एम डिग्री प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 110। इसके पांचों एंगल हो गए, 1 2 3 4 5, इसके पांचों एंगल्स का सम क्या हो गया, मतलब 540 डिग्री हो गया। अब देखो अब हमें वैल्यू एम की निकालनी है, अब इनको ऐड करते हैं। हो गया 410 इज इक्वल्स टू 540। अब m की वैल्यू क्या होगी, 410 इधर प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। जो m आया, m क्या आया हमारा, 130 डिग्री आया। इसको मैं इधर बनाता हूँ, ये हमारा M था, M क्या आ गया 130 डिग्री, और ये पूरा एंगल क्या है 180 डिग्री। अब 180 में से 130 माइनस करेंगे तो इधर हमारा X है, हमें X की वैल्यू पता लग जाएगी, तो X की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 130। 180 माइनस 130 क्या होगा, 50 डिग्री, तो X की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो यहाँ पे X की वैल्यू आई थी 50 डिग्री, इधर आई थी 110 डिग्री। तो सेम टाइप से हमने दोनों के अंदर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो रेगुलर पॉलीगन, अब रेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं जिनके सभी एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और सभी क्या होती है, लेंथ क्या होती है, सेम उसकी होती है। अब देखो पहला हमें बताना है 9 साइड्स का, कोई ऐसा बताना है हमें फिगर जिसमें क्या हो, हमें एक 9 साइड की फिगर है हमारे पास, उसमें हमें क्या बताना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सबके फाइंड बताने हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमने लास्ट हमने पीछे भी पढ़ा है, ये कोई भी एक एंगल है, एक फिगर है, ये अंदर के होते हैं इसके इंटीरियर एंगल। अगर हम इसी लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये क्या होते हैं हमारे बाहर वाले, ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या होते हैं इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, एक्सटीरियर एंगल्स को, कोई भी 9 साइड की फिगर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम निकालेंगे। अब एक 9 साइड की फिगर है तो इसका इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 7 इंटू 180 डिग्री। अब 7 इंटू 180 करेंगे तो क्या आएगा, 1260 डिग्री। तो जो टोटल एंगल हैं फिगर के, टोटल एंगल जितने भी, अब देखो 9 साइड हैं तो इसका मतलब उसके 9 ही एंगल होंगे, जैसे कि ये 3 साइड की फिगर है, ये 4 साइड की फिगर है, 3 साइड की फिगर है तो 3 एंगल, 4 साइड की फिगर है तो 4 एंगल,
सेम अगर नाइन साइड की फिगर है तो इसके अंदर नाइन एंगल्स होंगे ना। अब देखो जब हमारे को पता है टोटल एंगल्स क्या हैं, टोटल एंगल्स हमें पता है, हमें साइड पता है, तो हम एक एंगल को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ट्रायंगल में पता है कि इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, स्क्वायर में पता है हमें 360 डिग्री होता है, लेकिन जब हम इनके पर्टिकुलर एक-एक एंगल्स का सम निकाल, एक-एक एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, जो टोटल एंगल होते हैं सम उनमें से डिवाइड कर देते हैं जितनी साइड होती हैं। अब 180 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब कि सारे एंगल क्या हैं, 60 डिग्री हैं। जब सारे एंगल सेम होंगे तभी तो वो एक रेगुलर पॉलीगन फिगर होगी। अब सेम ऐसे ही इधर चार साइड से तो चार से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 90। इसका मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये एंगल भी 90 है। तो हम ऐसे निकालते हैं एंगल्स को। अब देखो 1260 टोटल एंगल्स का सम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से। इसका फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो हमने लिखा क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो क्या है हमारे, 1260। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9। तो हम एक एक एंगल जो होगा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखो, इसको इससे क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। तो जो एक इंटीरियर एंगल आया वो हमारा 140 डिग्री आया, तो मतलब सारे क्या होंगे, 140 140 140 के बराबर होंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक फिगर लो उसमें से ये लाइन एक्सटेंड कर दो, ये क्या होते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर वाला होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल। लेकिन जो टोटल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। और जब 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। सेम उसी टाइप से अगर 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल निकलेगा। जैसे कि 180 है टोटल, अब इसमें से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल निकलेगा, अगर इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। अब देखो हमारे को इंटीरियर एंगल पता है लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। अब वो कैसे निकलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री में से माइनस किया 140 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, 40 डिग्री। इसका मतलब इस नाइन साइड की फिगर में इसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, 40 40 डिग्री सबकी वैल्यू होगी। और हमें यही निकालना है, हमें क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि हर एक एंगल जो एक्सटीरियर साइड पे है उसका, उसकी वैल्यू क्या होगी। जो नाइन साइड्स की फिगर होगी तो उसके अंदर जो एक्सटीरियर वैल्यू होगी, एक्सटीरियर एंगल होगा, वो क्या होगा, 40 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब हमें निकालना है 15 साइड्स का। अब ये तो हमने इस टाइप से निकाला, लेकिन इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं फास्ट। अब देखो फास्ट कैसे निकालेंगे, तो पहले अबे पार्ट बी क्या है हमारा, फिफ्टीन साइड्स का। अब एक चीज ध्यान से समझो, जो मैं आपको बताता हूँ वो ये,
ये एक ट्रायंगल है, अगर इसके इंटीरियर एंगल सभी 60 डिग्री हैं तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, आप देखो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अगर कोई भी हमें रेगुलर पॉलीगन गिवन है तो उसका जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, बेशक उसकी कितनी भी साइड्स हो। जैसे अब देखो इसके एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, 120, 120, 120। अब 120 को ऐड करोगे क्या आएगा, 360 डिग्री। अब देखो मैं आपको सेम एक दूसरी फिगर में दिखाता हूँ, ये मैंने एक ये तीन साइड थ्री साइड्स की फिगर ली, अब मैं चार साइड की लेता हूँ। इसमें अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ, देखो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसमें सारे 90 डिग्री। अब देखो पूरा क्या होता है, 180 डिग्री, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा एंड ये भी 90 होगा। अब इसके चारों एंगल क्या होंगे, 90 90 डिग्री के होंगे। तो जब आप करोगे 90 प्लस 90 प्लस 90 चार बार, तो सम क्या होगा इनका, 360 डिग्री। अब देखो जब थ्री फिगर की थ्री साइड की फिगर थी उसके अंदर भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है, चार फिगर की है उसके अंदर भी 360 डिग्री है, चाहे आप 5 किलो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक भी लोगे, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री निकलेगा। ये सिर्फ किस में निकलेगा, रेगुलर पॉलीगन में, जिसके इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या निकलते हैं, सेम ही निकलते हैं। जब एक्सटीरियर एंगल्स के सबका सम मिला के क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब उसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो अब हमें इसमें इंटीरियर, जैसे हमने नाइन साइड में करा था, सबसे पहले हमने इंटीरियर एंगल्स को निकाला था, इसके अंदर हम वो नहीं करेंगे। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री है, टोटल साइड 15 है, अगर साइड 15 है तो एंगल भी क्या होंगे, 15 ही होंगे। अब जैसे यहाँ पे साइड 3 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 3 है, यहाँ पे साइड 4 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 4 है, अगर साइड 15 होंगी तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, 15 होंगे। अब जब हमें टोटल पता है 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से साइड्स को डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल की वैल्यू आएगी, जैसे हमने लास्ट में किया है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो इसमें होगा वो क्या होगा, 24 डिग्री होगा। अंडरस्टैंड, आप अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार दोबारा देखें, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो सब में कॉमन ही है 360 डिग्री, अब बस डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ साइड से, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन रेगुलर हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये कह रहा है कि ऐसे एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होंगी जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 24 डिग्री है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, लेकिन हमें क्या बताना है, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स ही तो बतानी है। आप देखो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन, हमने मान ली इसकी एन साइड है। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स चाहे कितनी भी साइड हो सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री, तो सम होगा 360 डिग्री होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, और ईच एक्सटीरियर एंगल वो भी हमें पता है जो कि है 24 डिग्री। अब देखो हमने जो लास्ट अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया है उसके अंदर भी हमें साइड्स निकालनी थी, उसके अंदर सॉरी उसके अंदर हमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था, उसके अंदर हमें साइड बताती और 360 डिग्री तो सब में सेम रहता ही है। अब देखो वैल्यू क्या होती है, वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स का इज इक्वल्स टू
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, लेकिन हमें क्या पता है, सम पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल पता है। सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे ना, वो कैसे, इसको डिवाइड कर दो सिंपल। तो जो ये फिगर है रेगुलर पॉलीगन, तो इसकी साइड्स कितनी निकलेंगी, 15 साइड्स। तो ये क्या है, 15 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है। देखो जब से 360 डिग्री वैल्यू पता लगी है, जब से हमारी कैलकुलेशन कम हुई कि नहीं हुई, जैसे कि मैंने अब लास्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, जो मैंने 9 साइड्स का बताया था, इसके अंदर थोड़ा बड़ा मेथड था, वो कैसे कि हमने पहले इंटीरियर एंगल्स को फाइंड किया, फिर उसको ईच इंटीरियर एंगल निकाला, इंटीरियर एंगल के बेस पे हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला। लेकिन जब से हमें पता लगा है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, बहुत कम होगी। हमने 360 डिग्री से अगर साइड निकालनी है तो 350 डिग्री से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर, डिवाइड कर दो। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 350 डिग्री से साइड को डिवाइड कर दो। बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 65 डिग्री। अगर उसका इंटीरियर एंगल क्या है, 65 डिग्री का है, तो उसको क्या बतानी है हमें, साइड्स बतानी है। अब देखो इसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, वो कैसे, हमें नहीं पता कितनी साइड्स हैं, क्या कर देंगे सिंपल, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन। हमने एन साइड्स मान ली, हमें नहीं पता क्या है, हमें ईच इंटीरियर एंगल पता है। अब इंटीरियर एंगल का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक फिगर है, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होगी, हमें नहीं पता उसकी कितनी साइड्स है, ये मैंने एक एज्यूम की है। अब हमें इंटीरियर एंगल पता है क्या है, 165 डिग्री। हमें क्या निकालना है, इसके बेस पे हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा सिंपल, टोटल 180 डिग्री होता है, 180 में से 65 को माइनस करेंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 180 में 65 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 डिग्री। तो क्या निकला, 15 डिग्री निकला हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब देखो एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री निकल गया, अब हमें सम पहले से ही पता है क्या होता है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो फिक्स है कि 360 डिग्री ही होगा एक्सटीरियर एंगल्स का सम। अब एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है, और ईच एक्सटीरियर एंगल वो क्या है, 15 है। अब हमें क्या बताना है, साइड ही तो बतानी है, आप साइड कैसे निकालेंगे, हमने जैसे लास्ट फॉर्मूले में किया, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो सम क्या है सबका, 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, 15 डिग्री, तो साइड्स कैसे निकलेंगी, इसको डिवाइड कर दो, तो क्या कितनी साइड्स होगी इसकी, 24 साइड्स। तो उस फिगर की 24 साइड्स होंगी जिसका ईच इंटीरियर एंगल 65 होगा और एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब देखो हमें क्या बताना है कि क्या कोई भी ऐसी रेगुलर कोई भी ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या निकले, 22 डिग्री निकले। अब एक चीज देखो, जहां जितनी भी मैंने अभी आपको एक्सटीरियर एंगल्स निकाल के दिखाई थी, जैसे कि इसमें इंटीरियर एंगल 60 होता है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो इसके 120 डिग्री होंगे। अब देखो जब 120 डिग्री होंगे, अगर किसी भी चीज का सम 360 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो चीज उससे डिविजिबल होगी। जैसे इसमें 120 है,
अगर मैं चार साइड की बात करूं तो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स क्या निकलेंगे, सारे 90 निकलेंगे। अब देखो 360 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 360 जो है वो क्या होगा, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये एक बेसिक रूल होता है। इसका मतलब कि जो भी हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो 360 डिग्री को हमेशा डिवाइड करेगा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल एस 22 डिग्री, क्या 22 डिग्री एंगल होगा अगर वो 360 को डिवाइड करेगा तो होगा, अगर नहीं करेगा तो वो एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या गिवन है हमें, 22 डिग्री। अब 22 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये 360 डिग्री को डेफिनेटली क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अब 360 को डिवाइड करेंगे 22 डिग्री से, अब देखो क्या ही डिवाइड होगा, इसको काटो। क्या 180 डिग्री हम 11 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब 22 भी 360 डिग्री से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि 22 डिग्री कोई भी ऐसा रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा जिसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर 22 डिग्री अगर होता तो ये 360 डिग्री से डिवाइड होता, तो ऐसा नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो क्या ये क्या होना चाहिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल बन सकता है। अब देखो अगर अब हम 22 को इंटीरियर एंगल बना दें, ये एक फिगर है ये भी ले लो, अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, 158 होगा। अब देखेंगे, अब हमें अगर इंटीरियर एंगल 22 है, एक्सटीरियर एंगल 158 हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्या 360 डिग्री से 158 डिविजिबल होगा। अब सिंपल सिंपल आप देख सकते हो कि 360 डिग्री 158 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि सेकंड जो हमारा बी पूछा हुआ है कि ये ना तो ये किसी का इंटीरियर एंगल होगा और ना ही ये किसी का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, तो ना ये इंटीरियर एंगल होगा और ना ही क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो क्योंकि जैसे कि हमने 22 को अभी इंटीरियर लेट किया क्या मतलब गिवन ही है 22 है, तो एक्सटीरियर एंगल 158 निकल गया। अब 158 निकल गया तो हमारे सिंपल सा हमें क्या करना है, 360 से अगर डिवाइड होगा तो ये फिगर पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो नहीं पॉसिबल। तो क्या हमने देखा 58 360 से डिवाइड नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो हमें बताना है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका मिनिमम से मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, मतलब छोटे से छोटा एंगल उसका क्या बन सकता है। अब देखो जितना अगर छोटा एंगल चाहिए उतनी हमें क्या चाहिए, साइड्स भी छोटी चाहिए। अब कितनी साइड्स हमें मिनिमम लगेंगी एक पॉलीगन को बनाने के लिए, क्या 2 साइड लगेंगी, एक साइड लगेगी, ये तो भाई पॉलीगन नहीं बना। लेकिन जब हम 3 साइड को ज्वाइन करते हैं तो एक पॉलीगन बन जाता है। अब मिनिमम हमें 3 साइड लगी, 3 साइड का मतलब 3 ही क्या होंगे, इसके एंगल होंगे। अब तीनों एंगल इसके क्या निकलेंगे, अगर इसका इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसके सभी एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री। तो जो मिनिमम से मिनिमम है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। वरना मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आप साइड्स को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे साइड्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। अगर इंटीरियर एंगल्स का सम ज्यादा होगा तो एंगल्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, 3 साइड की फिगर होगी, उसके अंदर एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री। तो पार्ट ए में क्या है, मिनिमम इंटीरियर एंगल वुड बी क्या होगा, 60 डिग्री।
जो मिनिमम से मिनिमम एंगल होगा वो 60 डिग्री निकलेगा। अब पार्ट बी देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो इंटीरियर के केस में और एक्सटीरियर के केस में दो चीज अपोजिट होती हैं, वो क्या, जैसे जैसे साइड को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू घटती जाएगी। वो कैसे, अब आप देखो अगर ये इंटीरियर एंगल 60 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, 120 निकलेगा, इतना तो आया समझ में। अब आप इधर देखो, अगर ये सारे 90 डिग्री होंगे हमारे, तो जब हम इसको इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री निकलेगा। अब देखो ये 120 है, जब हमने साइड बढ़ाई तो एंगल भी क्या हो गया, कम हो गया, एक्सटीरियर एंगल कम हो गया, इंटीरियर एंगल बढ़ गया। तो एक्सटीरियर एंगल सबसे ज्यादा वो किस में होता है, सबसे कम साइड्स वाली फिगर में, और इंटीरियर एंगल सबसे कम किस में होता है, कम साइड्स वाली फिगर में। अब देखो हमें क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारा, 120 डिग्री ही निकलेगा। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, 120 डिग्री। तो मैक्सिमम तो निकलेगा 120 डिग्री, और जो मिनिमम एंगल इंटीरियर होगा वो होगा 60 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करें, मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, या आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।